नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल अहिर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग किया था ये माइक का, ठीक है, ये लैपल माइक जो है बोया का, इसका मैंने किया था अनबॉक्सिंग। सेकंड जो अनबॉक्सिंग किया था मैंने रिंग लाइट का किया है, ये रिंग लाइट और स्टैंड का। अब इस थर्ड जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो गोरिल्ला ट्राइपॉड का करेंगे, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने व्लॉगिंग के लिए, व्लॉगिंग के वीडियोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह गए हैं, जिम वगैरह गए हैं, तो वैसी बहुत सी जगह है जहाँ पे हम सही से कैमरा नहीं रख पाते, ठीक है, या सही से अपना मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकते जिसे कि हमको शूट करना हो, वीडियो शूट करना है। तो कम्फर्टनेसली हम कैसे उसको मतलब गोरिल्ला ट्राइपॉड का यूज़ करके अच्छे से अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। गोरिल्ला ट्राइपॉड एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हो अपने व्लॉगिंग के काम के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए, या फिर कोई जैसे जिम में गए हो, मैंने जैसे बोला अभी, तो जिम के अंदर बहुत सी जगह पे ऐसा है कि सही से हम कैमरा नहीं रख पाते, तो उस जगह पे गोरिल्ला ट्राइपॉड कहीं पे भी मुड़ सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे से कहीं से भी मुड़ सकता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर नॉर्मल ट्राइपॉड काम नहीं कर सकता है। नॉर्मल ट्राइपॉड क्या है कि मुड़ नहीं सकता, उसके जो स्टैंड है वो मुड़ नहीं सकते सही से, लेकिन ये जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है वो अच्छे से मुड़ सकेगा। और क्या है कि आपको अच्छे से वीडियो शूटिंग करना है, कम्फर्टनेस बना के मतलब कि वीडियो शूट करना है तो बिल्कुल वीडियो शूट कर सकते हो। और व्लॉगिंग का काम है तो अगर बिगिनर हो आप, इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हो व्लॉगिंग में, तो भी ये काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो भी काफ़ी सस्ता है, चीपर है एकदम, 500 के अंदर ही, अंडर 500 ही मिल जाएगा ये आपको, और ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से आपको मिल सकता है, ठीक है। और वहाँ से मैं जो ये एक्चुअली इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके एक बार ही चेकआउट कर लेना, अगर आपको सही लगे तो आप परचेस कर सकते हो। अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे अभी व्लॉगिंग करनी है, या फिर नॉर्मल मैं जैसे अभी शूट कर रहा हूँ वो भी एक गोरिल्ला ट्राइपॉड से ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको स्टैंड रख के ही मतलब अपना फ़ोन स्मार्टफोन रख के ही शूट कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी मुझे कम्फर्टनेस लगता है इसमें, इसे वीडियो शूट करना, ठीक है। तो चलो अभी हम सीधा जो है मुद्दे की बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में वैसे ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे अनबॉक्सिंग, तो चलो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था पहले वो डिलीट हो चुका है। सो मैं अभी आपको जस्ट इसमें से जो जो चीज़ें मुझे मिली है वो पहले बता देता हूँ। तो ये बॉक्स मिला है मुझे, ठीक है, इसके अलावा बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली है। तो ये हमारा जो है गोरिल्ला ट्राइपॉड, ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर अटैच करने के लिए, कैरी करवाने के लिए यहाँ पे लगा के, यहाँ पे क्या लगाना है, ये लगाना है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे लगेगा और इसके ऊपर ये यहाँ से अटैच होगा, ठीक है। और हमको एक दो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा मिली है, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होगे शायद, मोबाइल होल्डर, फ़ोन होल्डर एंड ब्लूटूथ रिमोट इंक्लूडिंग इन पैक, तो ये दो चीज़ें मुझे मिली है। ये एक रिमोट भी कंट्रोल भी मिला है मुझे ब्लूटूथ वाला, जैसे कि मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर फ़ोटो खींच सकता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करके। तो दूर से भी अगर मैं दूर से भी बैठा हूँ तो आराम से मैं फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ, खाली ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए। ये जो ऊपर है कैमरा के लिए है और एप्पल के लिए है, नीचे जो है नीचे वाला बटन वो एंड्रॉयड के लिए है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेटअप करके इसका। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सेकंड सेटअप, इसका सेटअप कैसे करना है। तो दोस्तों अभी हम इसका सेटअप करेंगे, सिंपल है सेटअप काफ़ी। इसमें आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पे ये वाला कैरी करना है, ठीक है, कैसे करना है, सॉरी ये उल्टा लगा दिया मैंने। तो सिंपली यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है आपको, अभी जैसे आप वीडियो शूटिंग कर रहे हो व्लॉगिंग के लिए वगैरह के लिए, तो अगर फ़ोन आप इस हिसाब से रख रहे हो, जैसे मैं बता ही देता हूँ आपको प्रॉपर, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम फ़ोन को ले लेते हैं एक, ठीक है, तो इस हिसाब से आप व्लॉगिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इस हिसाब से हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। या फोन अपने
अपने कैमरे को भी यहाँ पे लगाना चाहते हो तो कैमरे को भी लगा सकते हो सीधा यहाँ से, ठीक है। ये जो है, स्क्रू के ऊपर लगा सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अभी थर्ड आता है इसका रिव्यू या रिज़ल्ट जो भी आप बोलते हो, तो इसका रिव्यू करके देखेंगे कि क्या ये चीज़ आपको आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट है कैसा है, आप कैसे कंफर्टनेसली यूज़ कर सकते हो या नहीं यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में मैं रिव्यू के अंदर बताऊंगा। कहीं भी यूज़ करना है तो किस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पूरा वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वे से, या अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे व्लॉगिंग के लिए कैसे यूज़ करना है, या फिर आपको जैसे कोई कहीं जिम गए हो तो जिम में अंदर कैसे रख के आप वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ मैं इसमें बता दूंगा, तो चलो रिव्यू कर लेते हैं इसका। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे हम ट्राई कर सकते हैं इसको नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए, अगर चाहते हो तो कैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको। इस तरीके से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर कुछ और काम के लिए कुछ और उसका रेशियो बन जाएगा। तो अभी हम इसको ट्राई करके देखते हैं व्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, कितना सही रहेगा इस हिसाब से यूज़ करना। तो अभी आप देख सकते हो इस हिसाब से हम व्लॉगिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कम्फर्टनेस है हाथ में भी, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं कि भाई बहुत निकल हाथ में से गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, तो अभी आप देख सकते हो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको चला के देखेंगे कि किस हिसाब से ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से हम व्लॉगिंग, अगर कहीं पे भी ट्रैवल व्लॉगर है तो कहीं पे भी व्लॉगिंग कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबली लगे उस हिसाब से आप ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो या वगैरह, तो इसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। बाकी अगर जिम में जाते हो तो इसको कैसे, अभी जैसे कोई एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ऐसे सेट कर रखा है इसको, ठीक है, मैंने मोड़ रखा है यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ से एक्सरसाइज ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिटनेस ट्रेनर के तौर पे भी अगर हो आप और कोचिंग देना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, तो भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी इसको और तरीके से घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जैसे कोई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे हमको लटकाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई टांगना है वगैरह करना है, कैसे मैंने चेयर के ऊपर इसको रखा है आप देख सकते हो, शायद आपको लाइटिंग आ रही है, नहीं पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हो मैंने किस हिसाब से इसके ऊपर टांग दिया है, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत काम की चीज़ है। इसका व्यू देख सकते हो पीछे से भी कैसे मैंने टांग रखा है। तो इस हिसाब से आप नॉर्मल ट्राइपॉड को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कहीं पे भी मैं जाऊँ, खेत में जाऊँ या कहीं पे भी, तो तार के ऊपर लटका सकता हूँ, या जिस हिसाब से मैं रखना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसको और भी कोई तरीका है तो मैं बता देता हूँ इसको, पता नहीं वहाँ तक लाइटिंग जाएगी कि नहीं, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको लटकाया हुआ है यहाँ पे। आई होप कि आप देख पा रहे होगे, ये रहा। मैं अगेन लाइट स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे बैठ के भी आराम से वीडियो शूट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे वीडियो शूट कर सकते हो। तो इस वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं, इवन कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं,
और अपना वीडियो शूटिंग जिस हिसाब से करना है कर सकते हैं। इसका जो है रिज़ल्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया, सेटअप भी आपको बता दिया, अभी हम देखेंगे कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी हम ये जो रिमोट कंट्रोल हमको मिला है उसका यूज़ करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कितनी डिस्टेंस तक ये यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ वाला रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऑफ से ऑन कर देंगे, ऊपर का ऑन का होगा और इसकी LED जलने लगेगी, तो आपको समझ जाइएगा कि इसका ब्लूटूथ स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमको जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करना है तो उसकी डिवाइस से ब्लूटूथ ऑन कर देना होगा। और यहाँ पे कुछ AV शटर टाइप का कुछ लिखा आ रहा होगा, आपको शायद पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो ये यहाँ पे कनेक्ट करना है। सिंपली करने के बाद सिंपली फ़ोटो खींचना है तो फ़ोटो को कैमरे को यहाँ पे रख देना है आपको सिंपली, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फ़ोटो खींच के, पहले तो वो फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कैमरा वीडियो चालू बंद करके दिखा दूँगा। तो मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, तो अभी ये वीडियो की आई थिंक मैंने वीडियो की दवाई के लिए करा था, तो वीडियो ऑफ ऑन हो गया। अभी मैं दूर से वीडियो को ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो शायद ऑफ हो चुका है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इतना दूर से। अभी हम वीडियो फिर से स्टार्ट करके देखते हुए उससे भी थोड़ा दूर होकर, तो ये वीडियो फिर से स्टार्ट हो चुका है। अभी थोड़ा और दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये वीडियो ऑफ या ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम कैमरा फ़ोटो खींच के देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली अभी फ़ोटो खींच के देख लेते हैं, पहले नज़दीक से देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है, अभी दूर जाके देख लेते हैं। और मैं जो अभी खड़ा हूँ वो लगभग 20-25 फुट दूर खड़ा हूँ। ठीक है, तभी मैं आराम से फ़ोटो खींच सकता हूँ। अभी और मैं दूर गया, लगभग 30 फुट के आसपास हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आराम से, आप कहीं पे भी ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो या कहीं दूर से शूट करना है आपको, तो ये रिमोट कंट्रोल अगर आपके पास होगा तो आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हो। जो फोर्थ कंक्लूज़न है, तो अभी कंक्लूज़न में आपको क्या, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर इनिशियल लेवल पे आप काम कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो स्पेशली, तो ये आपकी बहुत काम में आने वाली चीज़ है, क्योंकि व्लॉगिंग के टाइम पे ऐसी ये चीज़ ऐसा मतलब स्टैंड होना चाहिए जो कि कहीं पर भी मुड़ जा सके, या इसको हाथ पोर्टेबल होना चाहिए वो स्टैंड, ताकि कहीं पे भी ले जा सके, इतना भारी वर्कम नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ एक मायने रखती है। तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और प्राइसिंग के मामले में मैं बता दूं तो प्राइसिंग के मामले में भी बहुत सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। कि आप अगर जिम जाते हो या कहीं ऐसी जगह जाते हो कि जहाँ पे आप रख के वीडियो शूट करना चाहते हो, तो आराम से वीडियो शूट कर सकते हो। जैसा अभी कोई ऐसा रॉड है, रॉड के ऊपर लटका के मतलब वीडियो शूट करना चाहते हो स्टैंड को, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अगर आप स्पेशली व्लॉगर लोग हो, ठीक है, व्लॉगर अगर आपने यूट्यूब चालू किया है और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। बाकी अगर नॉर्मल यूज़ के लिए अगर घर पे व्लॉगिंग कर रहे हो या कहीं ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसके लिए तो है ही, मैंने जैसे बोला। लेकिन अगर जिम में जा रहे हो या जिम के अंदर आप शूट कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नॉर्मल जो स्टैंड होता है वो मोड़ नहीं सकता, उसके स्टैंड जो है मोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं से भी आप कहीं पर भी रख के कहीं से भी मतलब आप वीडियो शूट कर सकते हो। जैसे मुझे रखना है उस बेड के पास, तो बेड के पास से भी मैं मतलब थोड़ा मोड़ के भी ऐसे रख सकता हूँ और वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो ये एक चीज़ अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरा कंक्लूज़न यही है कि अगर आप पैसे एफर्ट कर सकते हो, मतलब खर्च कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, तो ये सस्ता ही प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आपका मतलब अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो वो अलग बात है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और मैंने जो इसके बेनिफिट्स गिनवाए आपको, तो उस हिसाब से
ये इनिशियल लेवल पे अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेश्चन है, इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बोला था कि इसका जो प्राइसिंग है रहेगा वो मतलब बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये आपको 399 से लेकर 400-500 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके एक बार ही चेकआउट कर लेना अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी इसका जैसे मैंने रिव्यू बताया तो आपको समझ आ गई होगी सारी बातें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। कोई चीज़ बताना चाहते हो तो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।